पहले कि वी गेट इनटू द मीट ऑफ द मैटर, जिसमें कि असली मजा जो आएगा बीटीएस की आपसे सीखने में, थोड़ा सा मार्केट पे व्यू सर आपसे समझना चाहूंगा, बोथ शॉर्ट टर्म में आप क्या अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड थोड़ा सा मीडियम टर्म में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। मार्केट की डायरेक्शन जो चाल है वो काफी एक लंबा रन था, फिर दो दिन बहुत बुरी तरीके से गिरा एंड देन काइंड ऑफ वहीं पे अटक गया है पिछले दो दिन से, तो इसमें आपको क्या लगता है क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म में क्या होगा और थोड़ा मीडियम टर्म में क्या होगा, बोथ आई वॉन्ट टू नो। तो पहले शॉर्ट वो कर लेते हैं कि पहले वेल स्टार्ट विद बीटीएसटी, जैसे आप बोलो छोटा सा सर एक मार्केट व्यू ले लेते हैं, तो आई थिंक बीटीएसटी फिर उससे और पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि अभी कैसे कर सकते हैं। ओके या हाय, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो जो फर्स्ट पार्ट है विल ट्राई टू गिव ए स्मॉल मार्केट व्यू, उसके बाद विल डायरेक्टली गो टू द बीटीएसटी एंड सी बेसिकली आई एम ए ट्रेंड फॉलोअर। तो जनरली मैं वन साइकोलॉजी बोलो या मेरा माइंडसेट बोलो, आई डोंट कीप वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू ऑन द मार्केट। फिर उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आई विल बी यूजिंग द हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल, तो जैसे आई थिंक दैट विल बी कंफर्टेबल राइट। सो यस डेफिनेटली सर, हम लोग भी इंग्लिश यूज करते हैं, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश कैजुअल लैंग्वेज। तो मैंने देखिए आई मीन बिफोर गोइंग इनटू एनी स्ट्रेटेजी और बिफोर इन गोइंग इनटू एनीथिंग, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दैट हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ। उसमें क्या होता है कि यू हैव टू बी यू नो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो अल्टीमेटली द साइकोलॉजिकल पार्ट जो है दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो बाई नेचर ऑफ दिस ट्रेंड फॉलोइंग बोलो और बाई गोइंग बाई माई एक्सपीरियंस बोलो या रीडिंग फ्रॉम द बुक्स बोलो, I don't keep very strong view on the market. That is the first thing. Okay. So, you know, in that case, क्या होता है कि अगर मान लो कि मैंने bearish view रखा और it may happen कि मेरे against में गया market. So, I cannot digest it. ऐसा होता है. और other way around. So, at this point of time, मैं क्या करता हूँ? Market view मेरा बहुत simple है. As long as Nifty, ये मैं 21 days के ऊपर है, for me, the market is bullish, short term trend I am talking about, okay, and as far as the long mane uske niche hai to bearish hai, to for that this thing main ek chart refer karta hu, for example aaj nifty hai aapka 17604 aur 21 day ema hai 17366। So, as long as 17,300 maintain है, मेरे लिए market bullish है। Okay, तो that's the view। अभी अगर मैं medium term view की बात करूं, जो weekly charts वगैरह है, मतलब slightly अगर medium term view रखना है, तो जब तक 17,000 के ऊपर है weekly basis पे, मेरे हिसाब से market strong momentum में ही है। That is the view. And if you wish to know about the bank Nifty, मैं level share कर देता हूँ। Nifty, bank Nifty में जो level है, जो मेरे level के हिसाब से 37,300 के ऊपर है, weekly basis पे सब ठीक है, और daily basis पे जो है, that comes to around 38,000, around 38,000 odd. So, this is the view. अभी ऐसा है देखिए, more than the market view, what is important is that कि पैसा कमाने के लिए आपको जो है ना, what is more important, you have to be with the right stock, okay, or the right side of the trend. तो basically अगर आपको पैसा बनाना है तो you have to be, you know, identify the sector कि कौन से sector में आपको रहना है, and you have to identify the stocks. So ultimately मेरा स्ट्रेंथ तो ही है, तो मैं उसी में ज्यादा फोकस करता हूँ कि आई हैव टू बी विद द राइट स्टॉक एंड राइट सेक्टर। तो चैलेंज भी हुई है और अपॉर्चुनिटी भी हुई है, तो हाउ यू टेक इट। सो यू नो, इसको थोड़ा समराइज करते हैं, तो मार्केट व्यू मैंने बता दिया कि निफ्टी में एज ऑफ नाउ मेरा मार्केट व्यू बुलिश है, इट मे चेंज और इट मे रन मे कंटिन्यू, और जब तक ऑब्वियसली जो सारे फिगर्स है वो सबको पता ही है, जो रिसेंटली 18,000 और 17,997 है, वो निफ्टी का एक रिसेंट हाई है, उसके ऊपर जाता है तो और एक फ्रेश मोमेंटम आएगा निफ्टी में।
तो मार्केट व्यू तो पॉजिटिव ही है, एज आई सेड कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू रखता नहीं हूँ, सो बाय नटशेल यही है मेरा मार्केट व्यू। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब सर बिल्कुल BTSC सीखते हैं आपसे, मजा आएगा बिल्कुल। तो शैल आई गो अहेड विद द BTSC? यस सर, यस सर। ओके, सो इस सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव रखना, सो दैट क्या है कि लोगों को एक्चुअली पता चले कि एग्जैक्टली कैसे क्या करते हैं। बट बिफोर आई गो इनटू द डिटेल्स BTSC के बारे में, अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आई हैव बीन इन दिस मार्केट फॉर मोर देन 22 इयर्स। मैं 2000 जब .com बूम हुआ था उस टाइम पे मैंने मार्केट में एंट्री किया था, एंड आई हैव वर्कड विथ मेनी ब्रोकिंग कंपनीज, एंड आई वॉज विथ a company called Anagram, which got merged with Edelweiss in 2009. Almost 10 saal tha main, and then I was with ICICI Direct. I was heading the PCG for Mumbai, in a private client group. I was with ABN AMRO also. I was with Prudent, and presently I am with associated with company called Wellstreet, which is based out of Ahmedabad. So basically, yehi hai, but mera trading journey jo hai wo around 2014-15 से शुरू हुआ था, एंड यू नो आई सिंस आई हैव वर्कड इन द ब्रोकिंग हाउस, सो टू बी वेरी फ्रैंक मेरा मैंने ये देखा है कि कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हुए कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो कस्टमर लूज मनी। सो मैंने ऐसा सोचा है अगर यू नो सब लोग अगर पैसा लूज करते हैं देन ये पैसा जाता कहाँ है, सो माई जर्नी वॉज स्टार्टेड विद दैट। सो I did lot of studies, lot of you know statistics. उसके बाद मैंने एक ही चीज देखा कि देखिए ultimately as per the trading is concerned, let's be put it in a very crude way कि it's a zero sum game or rather negative sum game अगर आप taxes और brokerage वगैरह गिनते हो तो। but इसमें ऐसा है कि जो 90% लोग lose करते हैं whatever is the money minus brokerage and taxes वो किसी और के पास जाता है। so you know you have to find out ki usko other side of the story mane ye 90% nahi baki 10% mein rehne ke liye aapko kya karna hai। so you know my journey was started with that, so wahi se maine aaj uska statistics share nahi kar raha hu because then it will go kafi lamba chalega। so in 2014-15 se main thoda trend following kar raha tha। I was inspired by one of my friend in Ahmedabad, so हम ट्रेंड फॉलोइंग करते थे निफ्टी बैंक निफ्टी में। और 2015 तो बहुत अच्छा गया, बट 2016 में मैंने जितना पैसा ले उसके पहले एक डेढ़ साल में हमने बनाया, तो 2016 आते आते उस टाइम पे दो तीन बड़े इवेंट हुआ था। एक तो ऐसा था कि ब्रेक्सिट हुआ था, उस टाइम पे हम रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेंड में थे। उसके बाद फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ था, दैट वॉज ए डे जब मार्केट उस टाइम पे 300-350 पॉइंट नीचे खुला था। फिर एक आई थिंक US इलेक्शन भी था जो ट्रम्प आए थे, जो विच वॉज अनएक्सपेक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये सारे वजह से मैंने 2016 में लॉस किया, और मैंने जितना पैसा कमाया प्लस बाकी पैसा भी मेरा ट्रेंड फॉलोइंग में चला गया। तो उस टाइम पे आई रियलाइज दैट कि नहीं, खाली ट्रेंड फॉलोइंग करेंगे तो इट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। तो मैंने सोचा कि कुछ क्या अदर स्ट्रेटेजी किया जा सकता है। तो फिर उस टाइम पे मैंने ऐसा नोटिस किया कि जितने भी ब्रोकिंग कंपनी है तो वो BTSC कॉल देते हैं। अब BTSC क्या है कि टर्मिनल में आ जाता था या तो मैसेजेस वगैरह आ जाते थे बाय रिलायंस BTSC और बाय टिस्को BTSC और व्हाटएवर, और उसका फिर कोई ट्रैकिंग भी नहीं होता था। BTSC हमने ये तो दे तो दिया BTSC ये करो, बट एग्जैक्टली पैसा बना नहीं बना, दूसरे दिन मार्केट ऊपर खुला नीचे खुला, वो ऐसा कुछ था नहीं ऐसा। सो बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने दो तीन लोगों से बात किया तो वैसा लगा कि नहीं ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकता है, और वो कोई ये ऐसा है ना मास फॉलोइंग नहीं है। BTSC का कोई मास फॉलोइंग नहीं है, जैसे मतलब मास फॉलोइंग मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि जैसे मान लीजिए आज ऑप्शन सेलिंग है या फॉर दैट मैटर जो और भी स्ट्रेटेजीज है, बहुत सारे एल्गो है, बहुत सारे क्वांट है, बट BTSC मतलब मैंने तो ऐसा कम अक्रॉस नहीं किया जो इसके ऊपर काम कर रहे, हो सकता है मेरे नॉलेज के बाहर भी हो सकता है, बट एनी वे दैट इज अ डिफरेंट इशू। सो मैंने सोचा है BTSC को एडिट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी करते हैं। सर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि हम रूल बेस इसको काम करेंगे। ओके, एज आई सेड कि बेसिकली आई एम फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, मैंने MBA और फिर CFA का ये सब किया है बिफोर
2000. सो फिर मैंने सोचा कि बट आई एम नॉट ए टेक्निकल एनालिस्ट पर से, हालांकि इसके साथ रहते रहते थोड़ा बहुत समझ में आ गया. तो फिर मैंने सोचा कि इसको रूल बेस काम करते क्या काम करेंगे हम, 3 से 3.5 के बीच. इनिशियली ऐसा था कि हम 2:30 से 3:30 के बीच में बाई करते थे और दूसरे दिन 9:15 से 10:00 तक उसको बेच देते थे. बट नॉर्मल जो ट्रेडिशनल जो मैंने एग्जांपल दिया कि पीटीएसटी आई बाय रिलायंस, आज ले तो लिया, कल कितने बजे बेचना है, 9:20 को बेचना है, 9:30 को बेचना है या 9:45 को बेचना है, कोई 11 बजे भी बेचते थे जब तक उसका रेट नहीं आते थे. बट नो, आई सेड मैं बीटीएसटी करूंगा विथ सम रूल कि मेरे को 9:45 तक सारे पोजिशन जीरो कर देना है. ओके, फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल ऐसा है कि मान लीजिए मेरा कैपिटल 10 लाख है आर्गुमेंट से, या 10 लाख का मैं एक्सपोजर लेता हूँ, तो इट हैज टू बी द इक्वली डिवाइडेड, मोर और लेस इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द सेक्टर एंड बिटवीन द स्टॉक्स. मतलब इसका मतलब ऐसा है कि 10 लाख का लेता हूँ, अगर मैं 5 स्टॉक्स लेता हूँ आर्गुमेंट से, तो मैं 2-2 लाख का लूंगा. ऐसा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है तो मैंने बैंकिंग सेक्टर के 4 स्टॉक्स ले लिया. नो, नॉट लाइक दैट. दैट वॉज ऑल्सो ए रूल. मैं आऊंगा इसमें एक बार, जो थियोरिटिकल पार्ट है उसमें मैं गो थ्रू करूंगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि मैंने कुछ रूल बनाया कि मेरे को बीटीएसटी करना है विद सर्टेन रूल. फर्स्ट रूल ऐसा है कि टाइम बेस करना है इसको. मैं 9 अभी तो मैं 9:20 या 9:30 तक मैं पूरा निकल जाता हूँ, बट उस टाइम में 9:45 तक करता था. एक नंबर. दूसरा ऐसा है कि एलोकेशन हैज टू बी राइट, ठीक है. तीसरा ऐसा है कि अगर मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे को स्टॉप कर देना है. ओके, एंड चौथा ऐसा है कि जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि मार्केट का नीचे खुला और मेरे को मान लीजिए कि 10 लाख के एक्सपोजर में मेरे को 1% लॉस हो रहा है या 2% लॉस हो रहा है, मेरे को जीरो करके निकल जाना है. तो विद दैट रूल तो आई स्टार्टेड, एंड आई स्टार्टेड विद द कैश मार्केट. मैंने FNO से स्टार्ट नहीं किया. तो कैश मार्केट जैसे मान लीजिए, तो कैश मार्केट में हम स्टॉक्स पकड़ते थे और स्टॉक कैश मार्केट से मैंने शुरू किया. लेटर ऑन मैं इसको FNO में शिफ्ट हो गया क्योंकि उसमें थोड़ा लेवरेज मिलता है. तो ऐसा मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ एज ए बीटीएसटी, ठीक है. टुडे वी विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट द बीटीएसटी. तो ऐसा मेरा जर्नी इनिशियली ऐसा स्टार्ट हुआ. एंड बाई ग्रेस ऑफ गॉड फिर मैंने देखा 6 महीने 8 महीने डाउन द लाइन कि नहीं, ये सारे स्ट्रेटेजी जो मैंने किया ना, एक्चुअली आई वॉज एबल टू सी कि मैंने जो मैंने रूल बेस्ड काम करने का सोचा था वो मैं कर पा रहा हूँ. एंड एक ऐसा लगा कि नहीं, इसमें से कुछ हो सकता है. एंड इट इज ए रेगुलर ब्रेड अर्नर, मतलब रेगुलर आप काम करते हो और महीने का एक कुछ रिटर्न मेरे को दिखता है, ठीक है. तो अभी मैं 2-3 या 5 मिनट में जो थियोरिटिकल एस्पेक्ट है उसको मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ. जो फर्स्ट पॉइंट है कि आर्गुमेंट से कि बीटीएसटी क्या है. बीटीएसटी देखिए, बाय टुडे सेल टुमारो, वो सबको मालूम है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीटीएसटी, ऐसा हो सकता है. एक है कैश स्टॉक्स बीटीएसटी, जो मैंने अभी बताया कि मैंने इनिशियली वाज स्टार्टेड विद दैट. एंड दूसरा है FNO स्टॉक्स बीटीएसटी, जो मैं अभी प्रेजेंटली कर रहा हूँ. बट लॉजिक क्या है कि बीटीएसटी ऐसा तो आप इंट्राडे भी कर सकते हो. बीटीएसटी रात का रिस्क लेके आप स्ट्रेटेजी कर रहे हो, मतलब उसका लॉजिक क्या है कि आप बीटीएसटी क्यों करते हो. सी बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे जो मार्केट का पार्टिसिपेंट है वो क्या करते हैं कि दे बाई, जैसे जो इंट्राडे ट्रेडर है उन लोग क्या करते हैं, दे बाई जैसे माई 9:30 10 o'clock और सारे 3:30 बजे 3:25 तक मैक्सिमम से मैक्सिमम पोजीशन निकल जाते हैं. बीटीएसटी प्लेयर जो है दे कम्स इनटू द पिक्चर ओनली आफ्टर 3 o'clock. जब इंटरनेट ट्रेडर बेचते हम वो स्टॉक्स लेके जाते और दूसरे दिन आके जब इंटरनेट ट्रेडर वही स्टॉक्स बाय करने आते हैं तो वो स्टॉक्स हम उनको ही बेच देते. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका एक केस बताऊं, जैसे कल है डेल्टा कॉर्प. वो डेल्टा कॉर्प कल हमने लिया था अराउंड 210 के आसपास. वो लास्ट टाइम में हमको स्कैनर में दिखाई दिया कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक्स है, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है. तो हमें पता था कि ये आज जो है ना वो कल सुबह इसमें फ्रेश बाइंग आएगा, तो ठीक है, तो वो स्टॉक्स हम लेके गए और कल सुबह हमने बेच दिया. और फॉर एग्जाम्पल आज हमने ABB लेके गए. आप ABB का लास्ट हाफ एन आवर का मूवमेंट देखो तो वही है कि कल सुबह
होपफुली फ्रेश बाइंग आएगा, हम बेच देंगे। सो बेसिकली हमको इसमें से ऐसा नहीं कि हमको 5% 10% का रिटर्न चाहिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में, नो। हम तो एक दो तीन टका तो मैंने बहुत बोल दिया है, आधा टका 1% ऊपर भी अगर खुलता है, मीन्स 0.5% to 1% ऊपर भी खुलता है, देन आई एम हैप्पी। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। सो BTST का बेसिक ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि जो इंटरनेट पर सेल करते हैं हम बाय करते हैं, नेक्स्ट डे इसका जस्ट रिवर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ऐसा है कि BTST हम जो BTST करते हैं उसको कुछ रूल बनाया हुआ है एज पर द स्टॉक सिलेक्शन इज कंसर्न। पहली बात ऐसा है, हम जो अभी FNO BTST करते हैं अराउंड 5-6 स्टॉक्स लेके जाते हैं, ओके। उसमें हम कोशिश करते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर का एक या मैक्सिमम दो, उससे ज़्यादा कोई स्टॉक्स नहीं हो, ओके। दूसरी बात ऐसा है कि उसके सामने जो हम है उसके सामने हम देखिए, अल्टीमेटली क्या है, कल मार्केट क्या खुलेगा ना मुझे पता है ना आपको पता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को अगर मैं मान लीजिए कुछ एक्सपोजर लेके जाता हूँ तो उसके सामने मैं क्या करता हूँ कि हेज करके जाता हूँ। हेज का मीनिंग क्या है कि मान लीजिए आज मैंने 50 लाख का बाई करके गया है, ठीक है, आज का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो भी है उसके सामने मैं निफ्टी बेच के जाता हूँ, ओके। निफ्टी मैं क्यों बेचता हूँ, इसके लिए बेचता हूँ कि मान लीजिए कल कुछ हो गया, आर्गुमेंट से कोई 6 सिग्मा इवेंट ही हो गया ऐसा है, बट आई नो कि मेरा जो है ना टोटल एक्सपोजर आज का अगर मैं देखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज अराउंड 38 लाख का बाई लेके गया, ओके, और उसके सामने मैं 100 निफ्टी बेच के गया, दैट इज अराउंड 17-18 लाख, मींस फाइनली मेरा मार्केट में एक्सपोजर है अराउंड हाउ मच, 38 - 17 अराउंड 20 लाख का एक्सपोजर है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसको हम हेज करके जाते हैं, सो दैट अगर कल जैसे मान लीजिए कल जैसे मार्केट था, आज मार्केट ऑलमोस्ट जो है ना कल मैंने 17,640 में अराउंड बेचा था और आज मैंने निफ्टी काटा 17,560 के आसपास मेरा आया शायद, मतलब ऑलमोस्ट वी गॉट अराउंड 80 पॉइंट नीचे खुला, फिर भी मेरा स्टॉक सिलेक्शन अच्छा था तो स्टॉक्स में भी पैसा आया। तो अगर मान लीजिए कल अगर 200 पॉइंट भी नीचे खुलता है कि आई नो कि थोड़ा बहुत मेरा निफ्टी में से आ जाएगा, लॉस तो होगा इन दैट केस, बट लॉस इज मिनिमम। मीन देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी आप करते हो रिस्क तो है कोई भी स्ट्रेटेजी, बट वी आर ट्राइंग टू टेक ए कैलकुलेटिव रिस्क, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द ग्लोबल मार्केट और सारे चीजों के ऊपर हम जो पोर्टफोलियो है या जो बाई करके जाते हैं उसको हम पार्टली हेज करके जाते हैं। और तीसरी बात ऐसा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक सिलेक्शन, जिसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा कि कैसे हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, बट बेसिकली हम जो है फ्लेवर ऑफ द डे या फ्लेवर ऑफ द मार्केट जो है अभी उसको हम लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज के तारीख में या तो आज ऐसा है कि हमने ABB लेके गया, वो ऐसा लग रहा था कि अच्छा खासा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ब्रेकआउट है, फिर अच्छा मोमेंटम में है तो उसको लेके गए, वो फ्लेवर ऑफ द डे था। ऐसा बहुत सारा और भी है तो उसको लेके जाते और सुबह हम 9:20 को हम या 9:30 के तक हम इसको ले जाते हैं। और एक दो पॉइंट है थियोरिटिकल, जे देखिए ये कोई आर्बिट्रेज या रिस्क फ्री प्रोडक्ट नहीं है, देयर इज सर्टेन एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। अगर आप कैश मार्केट में करते हो तो वो थोड़ा और भी डिफिकल्ट है, इन दैट केस डिलीवरी शॉर्टेज वगैरह आ सकता है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। कैश BTST लास्ट में कवर करेंगे अराउंड जो किस क्यू वी पॉइंट है। और अगर मार्केट अगर मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 2 दिन के लो पे अगर क्लोज कर रहा है या मार्केट का ओवरऑल ब्रेथ अगर नेगेटिव है तो हम बंद करके भाई बैठ जाते हैं। जैसे मान लीजिए परसों के दिन हमने बंद कर दिया था BTST, दैट डे हम बंद किया, लगा कि नहीं मार्केट नीचे ही खुलेगा तो बंद कर दिया। उसे ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए इट्स ए माई हार्ड अर्न मनी, तो अगर मुझे स्लाइटेस्ट ऑफ द डाउट भी होगा कि नहीं ये चीज हमको नहीं करना है या कल मार्केट का थोड़ा डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है या मोमेंटम अदर साइड में, हम बंद कर देते हैं। ऐसे भी हुआ, आप अगर देखो लास्ट अगर मार्च अप्रैल महीने में देखो हमने BTST किया ही नहीं 2 महीना ऑलमोस्ट, एक आध दिन किया था बस। तो इनफैक्ट 2020 में अगर मार्च में आप देखो उस टाइम पे हमने 1.5 महीना तो 1 दिन भी हमने BTST नहीं किया। तो बेसिकली ये रूल बेस है कि हमको BTST करना है कि नहीं करना है, वो आई विल कम डाउन इनटू दैट कि वो पॉइंट में भी आएंगे। और
कुछ स्टॉक्स जो जिस स्टॉक्स का कल या आज शाम को रिजल्ट आने वाला है जनरली वी ट्राई टू अवॉइड, ठीक है? अगर रिजल्ट आ गया और अगर मार्केट ने अच्छा रिएक्शन दिया देन यू कैन टेक इट, उसमें अच्छा खासा पैसा बनता है। बट जो रिजल्ट अभी शाम को है या कल मॉर्निंग में आने वाला है तो वी ट्राई टू अवॉइड स्टॉक्स विच इज हैविंग ए कॉर्पोरेट एक्शन नेक्स्ट डे। जैसे मान लीजिए कोई स्प्लिट होने वाला है या कुछ, वो स्टॉक्स भी हम अवॉइड करते हैं, वो नहीं रखते। और ये सारे जो है ये छोटा छोटा जो थियोरिटिकल पॉइंट है, टच अपॉन दैट। सो अभी जो है तो पहली बात ऐसा है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि BTST एज ए आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी करना है। अभी आप जो लास्ट पॉइंट है जो स्कैनर पार्ट है, मोस्टली देखिए अल्टीमेटली जो आपका अगर स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है तो ही आपको पैसा बनेगा। अगर स्टॉक सिलेक्शन अच्छा नहीं है तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो स्टॉक सिलेक्शन हम किस किस पैरामीटर में करते हैं? देखिए मैं कोई पर्टिकुलर ऐसा चार्टिंग्स या ट्रेडिंग व्यू में ऐसा कोई स्कैनर नहीं बना। मेरा स्कैनर जो है वो दो तीन पॉइंट में बेस्ड है। एक नंबर ऐसा है कि जो इम्पोर्टेंस है, हम ये देखते हैं कि आर्गुमेंट से कौन सा स्टॉक्स है जो कल के हाई के ऊपर है, पहली बात। और उसमें हम देर आर थ्री पीवर्ड्स। देखिए कोई भी आप टेक्निकल एनालिसिस या कहीं पे जाएंगे देर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल पीवट, तो हम पीवट को बहुत यूज करते हैं, ठीक है? तो पीवट हम तीन पीवट लेते हैं। मान लीजिए पीवट क्या है, फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं फेडरल बैंक की बात करूं आर्गुमेंट से जो 3% ऊपर है, तो लेट से उसका क्लोजिंग है कल 110, तो एक पीवट बनेगा लेट से 112 में, एक पीवट बनेगा 114 में, एक पीवट बनेगा 117 में। एक एग्जांपल दे रहा हूँ थियोरेटिकल समझने के लिए। तो अगर मान लीजिए 110 का अगर 112 के ऊपर चल रहा है तो वो पीवट 1 के ऊपर है, और अगर 114 के ऊपर चल रहा है तो वो पीवट 2 के ऊपर है। तो ऐसे मैंने एक एक्सेल में प्रोग्राम बनाया जो मैं 3 बजे देखता हूँ कि कौन सा स्टॉक्स है, ओके, जिसमें वॉल्यूम कल से 100% ज्यादा हुआ है, मोर देन 150% है, एक नंबर। दूसरा ऐसा है कौन सा स्टॉक्स पिवट लेवल के ऊपर चल रहा है, ओके? तीसरा ऐसा पैरामीटर है मैंने जो वो कस्टम बिल्ड बनाया कि मैं ऐसा कोशिश करता हूँ ये देखने की कि कौन सा स्टॉक्स है ना जिसमें 2:30 बजे से लेके 3 बजे या 3:10 तक कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जहां पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, ओके? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अभी लाइव डेटा मेरे पास है नहीं आर्गुमेंट से कि मेरे को ये दिखाई देता है कि जैसे नौकरी है फॉर एग्जाम्पल लास्ट हाफ एन आवर में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, या फॉर एग्जाम्पल ABB है उसमें भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड। तो ये सारे के सारे पैरामीटर यूज करके मेरा एक शॉर्ट लिस्ट स्टॉक्स बनते हैं। अगर मैं आज की बात करूँ लाइव मार्केट की बात करूँ तो टोटल जो है ना 17 स्टॉक्स हैज क्वालिफाइड ऑन पीवट 1 बेसिस, माने पीवट 1 के ऊपर क्लोज हुआ है, और उसमें से अराउंड 9-10 स्टॉक्स है जिसका वॉल्यूम कल से डबल था, ओके? दैट इज और भी शॉर्ट लिस्टिंग हो गया। और तीसरा ऐसा है जो लाइव डेटा के ऊपर होता है, दैट आई डोंट हैव राइट नाउ, वो लाइव मार्केट में होता है कि कौन सा स्टॉक्स में 2:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच या 3:15 के बीच अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, ठीक है? तो ये 3-4 चीजों के ऊपर मैं एक स्कैनर बनाया, एक्सेल बेस्ड एक मैक्रो मैंने स्कैनर बनाया और मैं उसको वॉच करता हूँ बिटवीन 3:00 to 3:30, ठीक है? तो ये है मेरी स्कैनिंग पार्ट। सी आई एम ट्राइंग टू कवर द थियोरिटिकल एस्पेक्ट सो दैट यू नो जो मेन आपका जो क्वेश्चन आंसर सेशन में आएगा देन मोर डाउट्स कैन बी क्लियर, तो हम उसमें ज्यादा फोकस करेंगे। ये हो गया आपका मेरा स्कैनिंग पार्ट। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, एग्जीक्यूशन। मैं क्या करता हूँ जनरली अराउंड 3:00 से मैं बाई करना शुरू करता हूँ। ऐसा नहीं है मैंने मोटा मोटा स्टॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ 3 बजे कि ये जैसे मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि एज ऑफ नाउ मेरे को 17 स्टॉक दिख रहा है उसमें से अराउंड 7-8 स्टॉक्स का वॉल्यूम कल से डबल है और समथिंग लाइक दैट। तो ये सारे स्टॉक्स मैं डाल के रखता हूँ कि 3 बजे के आसपास जो है मैं आई बाई 3 से 3:05 के आसपास आई स्टार्ट द BTST।
देखता हूँ कि बहुत ज्यादा कि ना अप मूव या डाउन मूव नहीं आ रहा है निफ्टी में, एटलीस्ट डाउन मूव नहीं आ रहा है, देन आई परचेज. आज अगर देखा जाए आई थिंक टूडे आई परचेज फर्स्ट फेडरल बैंक, जो मुझे लगा जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है. आई बॉट फेडरल बैंक, देन आई बॉट एबीपी. मंडे जो 3:05 से 3:10 के बीच में एक बाई किया, फिर 3:10 के आसपास दूसरा बाई किया, फिर 3:15 से 3:20 के आसपास मोटा मोटा 3:20 तक मैं मोटा मोटी बाइंग कंप्लीट कर लेता हूँ. और जो मैं सेल करता हूँ, जो निफ्टी में सेल करता हूँ, तो वो मैं अराउंड आई डू इट जस्ट बिफोर 1 मिनट और 2 मिनट्स बिफोर द मार्केट क्लोज. देखिए निफ्टी इज ए फॉर मी इज ए हेजिंग, उसमें से कमाना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है. तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि लास्ट के 1-2 मिनट पहले ही मैं निफ्टी बेच के जाता हूँ. और दूसरे दिन जब मैं स्क्वायर अप करता हूँ, जो सबसे पहला है, मैं बीच बीच में कभी कभार मेरा टेलीग्राम में मैं शेयर करता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली टाइम के साथ कब मैंने कितने बजे लिया है और कितने बजे सुबह बेचा है. खास करके जो बेचना है ना वो बहुत डिफिकल्ट है. फर्स्ट मार्केट खुलते ही फर्स्ट सेकेंड में मैंने निफ्टी बाई कर लेता हूँ, ठीक है. फर्स्ट 10-15 सेकेंड में निफ्टी बाई कर लेता हूँ, देन आई वॉच द अदर स्टॉक्स, फिर 1 by 1 उसको मैं कट करता हूँ. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका एग्जीक्यूशन. तो योर एग्जीक्यूशन हैज टू बी राइट. सो ये सारे जो है ये मोटा मोटा एक थियोरिटिकल पार्टी में बोलूंगा, ठीक है. तो अगेन मैं इसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ. जो बीटीएसटी हम एज ए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी करते हैं, एफएनओ में करते हैं, 4-5 स्टॉक्स बाई करते हैं या 5-6 स्टॉक्स बाई करते हैं, सामने हम निफ्टी बेच के जाते हैं. कितना बेचना है दैट डिपेंड्स अपॉन द ग्लोबल मार्केट, दैट डिपेंड्स अपॉन द मेरा कितना कंफर्ट है मार्केट में और मार्केट का ब्रेथ कैसा जा रहा है, पिच कैसा है बेसिकली. आज अगर पिच स्ट्रांग है तो आप निफ्टी नहीं भी बेच के जाओ तो भी बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट आई डू, अगर निफ्टी आज जैसे मान लीजिए आज डे हाई पे ही क्लोज किया, फिर भी मैंने निफ्टी बेच के ही गया, मैं तो बेच के ही जाता हूँ. जैसे मान लीजिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आस्क मी, मैंने तो अभी तक एसजीएक्स निफ्टी मेरे को पता भी नहीं है, मैं देखता भी नहीं हूँ. कभी कभार देखना देख लेते हैं वो अलग बात है, बट मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है. पहली बात ऐसा है बीटीएसटी करना है, राइट स्टॉक्स में रहना है, हेजिंग के साथ करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द डिस्कशन में बोला था कि योर साइकोलॉजिकल माइंडसेट. जैसे देखिए कोई दिन ऐसा होता नहीं है या कभी भी ऐसा होगा नहीं कि आपका जो है स्ट्रेटेजी आपका टेस्ट नहीं होगा. ऐसा होगा जैसे मान लीजिए मैं जब बीटीएसटी करता था, आई एम डूइंग फ्रॉम 2016-17 से, ऐसा भी था कि मैंने निफ्टी 300 पॉइंट नीचे भी ओपन होते दिखा है. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट जब निफ्टी 9000 था, उस टाइम पे भी मैंने देखा है कि निफ्टी 300 पॉइंट नीचे ओपन हुआ है, ठीक है. तो इन दैट केस आपको घबराना नहीं है. और जो आपने डिसाइड किया, जैसे यू नो जब पैसा आता है या जैसे तब ऐसे जैसे काटते हो, जब पैसा जाता है तो अभी भी आपको रूथलेस ऐसे कसाई के जैसे काट ही देना है ऐसा है. तो वो माइंडसेट आपको लाना ही है. जब कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी स्ट्रेटेजी मैं बोल रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है कि जो आपको टेस्ट नहीं करेगा. आपको उसको एक्सेप्ट करके चलना है कि नहीं वो जो है स्ट्रेटेजी आपको टेस्ट करेगा. वो माइंडसेट के साथ अगर आप काम कर सकते हो तो ही आप बीटीएसटी करना. क्योंकि अल्टीमेटली देखिए इसमें तो कमाने का बहुत कम है, मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. क्योंकि आप क्या है कि ऐसा नहीं कि 5-6 टका तक आप खड़े रहोगे. जैसे ट्रेंड फॉलोइंग में कैसा है कि जैसे मान लीजिए हमने अदानी में ऑलमोस्ट 40% रैली कैप्च किया था, 2200 में लेके 3080 में बेचा. इस मतलब ये बीटीएसटी वो गेम नहीं है. बीटीएसटी का गेम ऐसा है कि आपका तो भाई 1% तो मैंने बहुत बोल दिया, 0.5% भी मिलता है ना एंड ऑफ द डे वो भी बहुत है, जाता भी ऐसा ही है. तो इसमें बहुत ही थिन मार्जिन का गेम है. तो वही माइंडसेट के साथ आपको आना है. ओके, सो मोस्टली आई हैव कवर्ड द थियोरेटिकल एस्पेक्ट. So if you have any question, I think we can go into that, जिसमें मैं ज़्यादा आंसर कर पाऊँगा. क्योंकि अभी तक क्या है कि मोनोलॉग है, मैं ही बोले जा रहा हूँ. जब तक ये यू नो इंटरेक्टिव नहीं होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा. सो विद दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू यू नो ओपन द फ्लोर. सो या तो आपके इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो आस्क मी. डेफिनेटली सर, मैंने एक ट्वीट भी पिन किया है स्पेस में जिसमें कि लोग अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. हम लोग लाइव ऑडियंस से लेने की कोशिश करेंगे. इन द मीन टाइम सर मेरे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पे डाउट्स थे. सो वन इज
कितना हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू थिंक वन शुड गेन बिफोर एंटरिंग इनटू द गेम ऑफ इनटू द गेम ऑफ बीटीएसटी. गुड क्वेश्चन. देखिए पहली बात तो ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बीटीएसटी आपको अगर सीरियसली करना है, मैंने बीटीएसटी ही करना है ऐसा, यू स्टार्ट विद द कैश मार्केट. ओके, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, व्हाई यू डू इट इज कैश मार्केट, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बोल देता हूँ, हालांकि मैं अभी नहीं करता हूँ. देखिए पहली बात ऐसा है कि कैश मार्केट में जो है ना, उसका स्टॉक्स अलग है, एफएनओ स्टॉक्स नहीं है. दूसरी बात, कैश मार्केट में नेक्स्ट डे अगर मार्केट में, ऐसा भी देखा है, मार्केट अगर 100 पॉइंट नीचे भी ओपन होता है ना, तो कैश मार्केट के जो अच्छे स्टॉक्स है ना, उसमें बहुत ज्यादा डेंट नहीं आता है, पहली बात. और तीसरा ऐसा है, जो कैश मार्केट का स्टॉक्स है वो आप 1 लाख का भी बाई कर सकते हो, मैंने वैल्यू टर्म्स या एक्सपोजर टर्म्स में, ठीक है. तो आपको अगर एफएनओ करना है तो उसके पहले 6-8 महीना तो आप कैश मार्केट में करके देखिए. ये एडवांटेज है कैश मार्केट का. डिसएडवांटेज क्या है, दो ही डिसएडवांटेज है. एक तो ऐसा है कि कैश मार्केट के जो रूल्स है, जैसे मैंने बोला कि मैंने 2017 में करता था, उस टाइम पे ऐसा सच कोई कैश मार्केट का कोई मार्जिनिंग रूल था नहीं ऐसा है, ठीक है. 10 लाख के सामने आप 30 लाख के भी बाई करके जा सकते थे, ठीक है. बट अभी जो है ना, बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल है, ठीक है. तो वो रूल के साथ आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है. लास्ट ईयर जो चेंज आया था उसके बाद कैश मार्केट के रूल्स काफी स्ट्रॉन्ग हो गए, मतलब आपको वो चीज ध्यान में रखना है. दूसरी बात ऐसा है कि बहुत सारे ब्रोकर ऐसा है जो आपको नेक्स्ट डे अलाउ करता भी है सेल, अलाउ नहीं भी करता है, वो आपको एक देखना है. और तीसरी बात ऐसा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैश मार्केट में, ये पर्टिकुलर टेक्निकल इश्यू को समझना कि कैश मार्केट में, लेट्स से आज अगर कैश मार्केट में फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रा माइक्रो अच्छा क्लोजिंग दिया है, आपने अगर 330 में लेके गए और दूसरे दिन आके अगर 335 में या 340 में आप बेचते हो, तो उसमें डिलीवरी शॉर्टेज आ सकता है. मींस आपने जो 500 शेयर बाई किया है, यू आर नॉट श्योर कि आप 100% श्योर कि आपको वो शेयर जो है ना 500 के 500 यू विल गेट इट. आई थिंक एवरीबॉडी नोज अबाउट द ऑक्शन क्या होता है, कभी कभी डिलीवरी शॉर्टेज आता है, तो वो आपको माइंड में रखना है. और चौथी बात जो है, एक बड़ा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ऐसा है कि कैश मार्केट में जो है ना 0.017% माने 17 पैसा जो है ना वो आपको एसटीटी लगता है बेचने के टाइम. तो द कॉस्टिंग जो है ना आपका, व्हिच इज कम्स स्लाइटली हायर साइड. तो ये डिसएडवांटेज है कैश मार्केट में. बट आपको अगर हाथ पकड़ना है, जैसे मान लीजिए कि आज के तारीख में फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एस्ट्रा माइक्रो बोला या फॉर दैट मैटर कोई भी है, मैं कैश मार्केट का उतना ट्रैक नहीं करता हूँ, समथिंग लाइक दैट एक्चुअली, या थार्मेक्स है, थार्मेक्स आज अच्छा क्लोजिंग दिया, वो मोटा मोटी जो है ना, जैसे मान लीजिए एस्ट्रा माइक्रो वगैरह वो 2-3% ऊपर भी खुल जाता है, यू नो अभी मोमेंटम अच्छा है, 2-3% में ऊपर, अगर आपने बहुत अच्छा स्टॉक्स पकड़ लिया तो 4-5% भी मिलता है कैश मार्केट में. तो बिफोर कमिंग इन टू द एफएनओ, जैसे मैंने भी वो, मैंने कैश मार्केट से जो है ना, आपको थोड़ा इस चीज को जो है ना, जो माइंडसेट इशू है कि बेचना कैसे है, लेना कैसे है, ठीक है, ओवरऑल मार्जिनिंग आपको कैसे मेंटेन करना है, तो आप कैश मार्केट से इसको अप्रोच कीजिए. फिर आपका रिटर्न नहीं भी आया लेकिन आपका अगर साइकोलॉजी सेट हो गया ना, देन यू कम इन टू द एफएनओ मार्केट, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे. दैट्स माय एडवांटेज, दैट्स माय सजेशन. तो मेरे क्वेश्चंस और भी हैं, मैं उस पे आऊंगा. उससे पहले हमारे पास 2 क्वेश्चंस आ गए हैं, एक शुभम यादव सर का भी क्वेश्चन है और एक हरेश सर का भी सेम क्वेश्चन है कि जैसे हरेश सर ने पूछा है कि हाउ टू चेक ओपन इंटरेस्ट, एंड एट द सेम टाइम शुभम यादव सर ने पूछा है कि हाउ टू सी द ओपन इंटरेस्ट एडेड इन बिटवीन 230 to 3. नहीं एक्चुअली आपकी स्ट्रेटजी में आप ये यूज करते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट सर जो होता है, ओआई जो होता है, देखिए ओपन इंटरेस्ट तो आप जो है मैं पर्टिकुलरली तो क्या है कि मैंने कस्टम बिल्ड बनाया, तो आई डोंट ट्रैक. जैसे मान लीजिए चार्टिंग में तो नहीं होता है, मेरे को ट्रेडिंग भी कोई इतना आइडिया नहीं है, बाकी आई थिंक क्वांट्स ऐप में आप उसको ट्रैक कर सकते हो, अदर देन दैट
जो ओपन इंटरेस्ट है तो उसमें आप सी एक्चुअली आई हैव नॉट यूज्ड द अदर सॉफ्टवेयर बट आई थिंक यू कैन ट्रैक इट इन दिस थिंग क्वांटसैप वगैरह में कर सकते हो सर ये चीज ठीक है उसको मतलब बाकी जो पॉइंट मैंने बताया कि जो स्कैनर है या स्कैनर का जो ये पॉइंट है कि पिवट वन है वो तो कहीं पे भी अवेलेबल है ऐसा इफ यू वांट मैं थोड़ा उसको छानबीन करके मैं बता दूंगा कि कहाँ पे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे वो कुछ है नहीं एक रूल बेस ऐसा है कि वो फॉर्मूला बेस्ड है यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर उसमें कुछ है नहीं अगर कल का क्लोजिंग प्राइस या भाव को के ऊपर से भी आप पिवट वन पिवट टू आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो मैं उस चीज को मैं देख लूंगा कि अगर ऑनलाइन में कहीं पे मिलता हो आई एम श्योर कि वो ऑनलाइन में मिलता ही होगा नहीं तो एक प्लेन वैनिला फॉर्मूला है तो यू कैन गेट द पिवट वन पिवट टू थ्रू दैट डेफिनेटली डेफिनेटली थैंक यू सो मच सर हेलो सर सर हमारे पास हेलो सर थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन सो सर माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल when you take F&O stocks on BTST purchase, when I go long, my question is, you know, there are three ways of hedging it. I knew only two ways until today. You told me the third one. I knew sell the call, you can hedge it, or buy the put, you can hedge it. Today you are saying also about selling the Nifty. Sir, I understood all the three today, but my question is on a priority okay. basis, how do you go about, you know, which one do you prefer first? 1, 2, 3 in that order. Thank you. See, I prefer selling the Nifty only. And I have not tried, to be very frank with you, I have not tried the selling the put, I mean, buying the put option of Nifty. You can definitely try. But I personally, you know, last 4 years, actually, I have not tried the buying the put option. But I think effectively you can do that also. There'll be costing will be less also. But if you can buy the in the money put option. So I think you can try that also. I think more or less that will, you know, will hedge you, you know, of a potential downside. You can do that. So, but I would prefer to selling the futures only. Okay, sir. Just to clarify, when I said selling the put and buying the call, I meant for the particular underlying only, not Nifty. Achha, you would, okay. No, you can try that. I mean, I don't know. Mane, see, ultimately, you know, any kind of hedging or say of the view is bullish. Like, let's say in case of Federal Bank, the view is bullish. So if you are buying the put option, so let's say, and you know, morning if it is open with 1% higher, so you will be, you know, potentially see. Ultimately, this, you have to take slightest amount of risk. I would suggest, you know, why you are selling Nifty because, you know, just to, you know, balance your total overall exposure in the market. Okay, see, let's say, let's put this in this way: if market open flat, okay, the market open, you know, 10 point higher or 10 point lower, okay. But I'm sure the, you know, the kind of stock selection method that we are using, I'm sure ki, you know, we'll be able to get the maximum out of the stocks that which we have selected. Means what I'm trying to say is that ki, you know, let's say market open flat, so the kind of stocks we bought, I think I expect it, the stocks, the most of the stocks are in a good momentum, so it will open higher only. So if you are buying the, I have not tried that, but if you are buying, let's say, you know, there are few stocks which were, you know, like, you know, today I bought Naukri or for that matter, Federal Bank or for that matter, ABB. I am not sure, ki, you know, how will be the liquidity of this particular stocks futures in the morning 10 to 15 minutes, because I am out of this market by 9:30, maximum by 9:30. So that's the another point also, you know, in terms of the liquidity of the individual stocks feature. You know, let's say, let me put it in this way. If you would like to buy the stock feature and also the put option, better to buy the call option of respective stock feature. That will reduce your costing also, and that will reduce your, you know, execution risk also. Hello.
Okay, sir. Thank you. Yeah. Thank you so much, sir. Deep sir or Shri Bhagwat ji bhi hamare saath. Hello. Can you hear me? Yeah. Tell me. Okay. Yeah. Hello, sir. I have two questions on your strategy. So first, you mentioned that you do BTST 4-5 stock every day. Have you ever had a situation where one of your stock, because of unexpected reason or any unforeseen news, gapped down next day by 5-7%? And if so, then how did you manage emotionally for the subsequent days of doing the BTSC? That is my first part of question. And the second part of the question is that, suppose if you start BTST at 3 o'clock and suddenly there is a down move on the Nifty continuously for half an hour, and your one or two of the stock falls by 1% in half an hour itself, do you still carry or do you square off? So these two questions. Thank you. See, first of all, I have faced many such actually. You know, for example, I think 6 months back, there was a news in UPL. Okay. It was open almost 6% down or 8% down. I still remember that. So I have faced many such in last, 4 or 5 years, many such mostly, you know, issue related to company news or something like that, overnight development. So I have to accept that. Okay. So first of all, secondly, I cut whatever it may by 9:30. Whatever it may, stocks may open 5% higher also or 5% lower also. Okay. I cut it by 9:30. Actually, by 9:20-9:25, I am most of the time, 90% of the time, I am out of this by 9:20-9:25. But in certain cases, what happened, let's say, I bought today Federal Bank 114, arguments say, and market, it has make a low of 113, and presently it is at 113.40 or 113.50, 50 paisa from the lower level. I just put a stop loss at the day's low or 5 minutes low and just wait for a few minutes to carry on. So see, one statistics I would like to share along with you is that I have been doing BTST from 2017. The maximum loss I have seen in 2018 October, I don't remember the news of that particular day. I lost almost 1 lakh rupees on a capital of around 12 lakh rupees. So, in 5 or 6 years, this is the, maximum loss, overnight risk or overnight loss that I have taken. So, just to give an idea, what kind of a maximum risk you are, carrying on your capital. So, I think that will give you a fair idea of whatever amount of risk you are taking or you are carrying by doing this overnight BTST. But by 9:30, I am totally out of this market. Yeah, I hope I am able. Yeah, and yeah. My second part was that if your BTST. Hello? Yeah, can you hear me? Yeah, I can hear you, but your voice is cracking. Tell me, no problem. I am asking. That's my second part question was that if the stock falls within half an hour, last half an hour, which you bought as a BTST, 1% or no, what do you do in that case? Hello? 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 Am I audible? Yeah, you are audible, but in between, it is getting disconnected. Yeah. If you can hear me, if your stock which you bought at 3 o'clock and falls by 1%, 1.5% by 3:30, whether you still carry or you I carry generally unless and until there is a news, some development, 99% of the time I carry. 99%. Okay, but that 1%. Day, that I think 3-4 days back, there was a news of this Ambuja cement. I bought at 422 or 23. There is a news, somebody give, generally I don't watch TV also. Somebody told me that this Ambuja opened up for came at
expected at lower level. So I just booked the loss and moved on. Very, very rare. Very, very rare. You know, in case of today, you know, other way around, today I bought this ABB at 3060 and it went up to 3100. I mean, although I gave the message, whomsoever wants to book the profit of around 4000 or 5000 can book, 8000 or so can book. But I carried other way around also. Even if it is goes up also, unless and until I'm getting, you know, 17, 18 or 20,000, then it is a different issue. Otherwise, I carry. Yep. In case of, you know, it has moved up also, I carry. Like, you know, IRCTC, that day, I think if you have observed our previous tweet or previous message, we bought IRCTC at 695. I think due to some news or so, it went up to 750. Yeah, you booked. So almost 20 rupees into 800 shares. So we booked at... few people booked at 715. That day it closed at 720. Finally, we sold at some 710 next day. So I carry. I carry on the both the cases. Even if it is down also, even if it is up also. Yeah, thanks. Thanks for... Yeah. Thank you so much, sir. सर एक क्वेश्चन और हम लोगों के पास ट्वीट में आया था शुभम यादव सर का ही ही वांटेड टू आस्क वेयर टू ट्रैक वॉल्यूम दैट्स 100% मोर देन हाई फ्रॉम प्रीवियस डे हाई दे वॉल्यूम स्कैनर तो यू कैन ट्रैक एक्चुअली इवन इन द यू नो बीएससी साइट इटसेल्फ और एनएसई साइट इटसेल्फ यू कैन ट्रैक द वॉल्यूम ओके और अदरवाइज दिस इज वेरी सिंपल यू नो लेट्स से सी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स ओके which are, you know, giving good volume and, you know, sorry, which are closing above the pivot one or pivot two. So let's say, argument say, the Canfin Home, for that matter, it was up by 6% today. Let's say you have seen Canfin Home is coming to a scanner in terms of, you know, pivot one closing also. So you can check that in the chart also. Today, the volume was 197% of yesterday, means almost two times of yesterday's volume. So volume you can check in the chart also, but in the BSE site, even money control site, you can check the volume. That is not a problem. Volume blaster or something like that, you know, you can do it in chartings also. There are a lot of tools available. If you have any specific query, so you can, you know, send me. I'll respond in, you know, in due course. That is easily available data. Great, thank you so much, sir. Sir, एक और question आया है, but I think ये हरीश सर ने पूछा है कि how do you do your trend following portfolio, but I think that would require a completely dedicated space to go through that as well. Yeah, may what is his question? How to select? How do you manage your trend following portfolio? Oh, trend following, nee, that is so going to take a lot of time. But you know, I will just give a small brief. Basically, you know, in trend following, we select the stock which is hitting the new 52 weeks high or something like that. Like today, we have taken exposure in Federal Bank, okay, 111 level. But it's a completely totally different subject, and it requires a lot of. I mean, I can share the stocks. Stocks which I am in the stocks. I have a watch list actually, but most of the watch list stocks are stocks which are into, you know, 20% of the all time high. Like for example, likes of Mahindra and Mahindra, or for example, the stocks like Trent or Adani Group stocks or something like a few cement stocks. Those are there in my trend following stocks watch list. So, but we'll do that. Awesome. You know, in due awesome. Course, we'll do that. Okay. Definitely. Yeah. Would love to learn that as well, sir. Sir, yes. हम लोगों का time closing का time आने ही वाला है. So before we close, I would love to have some words from you, some concluding remarks, or some final advice for our listeners ke liye to, you know, end on a very good note from you. No, actually, bhai, aap thoda beech mein suna nahi diya. Kya bole aap?
मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखिए आप किसी को कॉपी मत कीजिए, ऐसा है कि दैट इज द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव, कि आपको किसी को कॉपी करके आप पैसा नहीं बना सकते हैं। पहली बात, आपको अगर कोई भी स्ट्रेटेजी हो आपको करना है तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो जो स्ट्रेटेजी है वो आपका स्ट्रेटेजी है, उसका एडवांटेज भी आपको मिलेगा, उसका डिसएडवांटेज भी आपको मिलेगा। पहली बात ऐसा है, हर एक स्ट्रेटेजी अच्छा है, और कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है कि वो हर एक टाइम फ्रेम में या हर एक मार्केट कंडीशन में चलेंगे। ड्रॉडाउन आपको आएंगे या आपको डिफिकल्टीज आपको आएंगे, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड यू हैव टू मूव ऑन। सो दैट इज देयर, दैट इज द मैसेज आई वुड लाइक टू से। एंड सेकेंड थिंग इज इम्पोर्टेंट इज दैट कि देखिए अल्टीमेटली पैसा बनाना है, द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो आपको जो है ना साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसके ऊपर भी हम एक सेशन करते हैं, यू नो। तो वो आपको ये माइंडसेट जो है ना उसी का ही पैसा है। चैलेंज तो सब जगह ही है, लॉस तो मैं भी करता हूँ। देखिए बीटीएसटी में भी लास्ट 3 महीने में ऐसा कोई खास रिटर्न आया नहीं है, बट फिर भी मैं हम ऐसा नहीं है कि इस चीज को हम कंटिन्यू नहीं कर रहे, इसको जो है तो ये कंटिन्यू करना है। तो साइकोलॉजिकली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। और हर एक जना का रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग है, रिटर्न का कैपेसिटी अलग है, तो वो समझ के आइए कि आप कितना है ना, कितना आप मैक्सिमम लॉस कर सकते हो ऐसा है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैंने एफएनओ में करता हूँ आर्गुमेंट से, अभी एफएनओ में करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है आपका 30,000-35,000 का भी लॉस आ सकता है कोई दिन में। माने अगर 30,000-35,000 का लॉस अगर आता है तो आपको साइकोलॉजिकली कितना इम्पोर्टेंट और क्या आप उस चीज को झेल सकते हो कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो है ना, पहले से आप पैरामीटर नक्की कर दो कि भैया ये जो है ना मैं मैक्सिमम ये कर सकता हूँ, उसके बाद ही आप स्ट्रेटेजी को अपनाओ, तो दैट इज देयर एक्चुअली। और अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं मेरे को ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है, इट इज अ रॉन्ग एक्चुअली माइंडसेट। आप जो है ना इन्वेस्टमेंट करके भी आप मोटा मोटा 25-30% CAGR आप जनरेट कर सकते हो। हमारे इसमें मैं मेरा जो पर्सनल जैसे मोमेंटम पोर्टफोलियो वो मैं शेयर करता हूँ, किसी को अगर उसमें से इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हो। तो लाइव पोर्टफोलियो हम देते ही है, तो समथिंग लाइक दैट। अल्टीमेटली देखिए बजट से आपको पैसा बनाना है, बाकी जो है ना सारे चीज जो है ना वो एड ऑन है। आप अगर मान लीजिए अभी तो ट्विटर आ गया, बट हमने जब हमारा करियर स्टार्ट किया था ऐसा कुछ था नहीं ऐसा, हमने सब कुछ सीखा देखा मार खाया सब चलता रहता है ऐसा है। बट अल्टीमेटली ये बाजार में आप इसके लिए हो कि ये बाजार से आपको पैसा कमा के जाना है, तो बस वो माइंडसेट बनाओ। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आपका रिस्क के हिसाब से आप सोच के आ गया हो, दैट इज माय ओनली पॉइंट। ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसा इतना पैसा बनाया तो मेरे को भी बनना है या मेरे को भी बनाना है, वो बहुत रॉन्ग मैसेज है। मैं बार बार उस चीज को बोलता हूँ कि मैं तो देखता हूँ ऐसा है, मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता कि सिर्फ स्पेस में या ट्विटर में दिखता है इतना लाख कमा है ऐसा है वैसा है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। बट क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि मेरे को भी आप कोई कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा बना रहा है, तो मेरे को देख के भी वो इंस्पिरेशन लगता है कि नहीं भैया वो बना रहा है तो मैं भी बना सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि उन लोग एक्सपर्ट है, सालों साल ये मार्केट में है, तो आपके हिसाब से अगर पैसा बनाओ उस चीज को माइंडसेट के साथ ही आओ। क्विक मनी ऐसा है कि ये बाजार में नहीं है और हो भी नहीं सकता है। चैलेंजेस सबको आते हैं, हमें भी आते हैं, आपको भी आएंगे। रिस्क मैनेजमेंट आप लाओ, चीज किसी को जैसे मैंने बोला कि कॉपी वगैरह मत करो, आप आपका स्ट्रेटेजी है उसको और शार्पन करो। हाँ, किसी से इंस्पायर हो सकते हो कि मेरे को ये चीज करना है। अगर कोई मेरे से इंस्पायर होता है और कोई ऐसा बोलता है नहीं मेरे को बीटीएसटी करना है, वेलकम। बट अल्टीमेटली जैसा है ना, मैं आपका एक सपोर्ट हूँ, बट आपका जो स्ट्रेटेजी है वो आपको ही बनाना है। आपको लॉस होगा तो आपका ही कैपिटल जाने वाला है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। अभी जो हमने ये स्पेस किया, ये एक्चुअली क्या है कि आज एक लेक्चर दिया ऐसा है। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं,
प्रोफेसर लेक्चर देता है, इट इज लाइक दैट। बट अभी आपको अगर ये जर्नी में अगर आगे बढ़ना है तो आपका आज का जो सेशन है वो एक स्टेप है, उसके बाद करना तो आपको ही है। सो डेडिकेशन के साथ आइए, किसी को कॉपी मत कीजिए, रिस्क समझ के ही आइए। एंड आई एम श्योर कि आप अगर ये तीन चार चीज और आपका अगर इंटेंशन सही हो ना तो आप एक दो साल के बाद आप प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। आई होप, आई थिंक आई हैव बीन एबल टू गिव द राइट मैसेज। ओके, सो यस यस डेफिनेटली सर, दिस वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, आई एम वेरी यू नो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ ए पर्सन। मैं तो आपने जो मुझे फॉलो करते हो जानते ही हैं, मैं बहुत ज्यादा मतलब क्या फ्लैशी है इस टाइप ऑफ चीज में विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा अल्टीमेटली क्या है कि मेरा कोई ऐसे कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है नहीं ट्विटर में, मैं तो मेरा जो नॉलेज है उसी को ही शेयर करने आता हूँ, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है बेसिकली। आई एम, जैसे मैंने बोला कि आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन, मैंने तो जनरली कहीं पे मतलब दैट इज द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव। सो विद दैट आई थिंक आप देखिए अगर ट्रेंड फॉलोइंग के ऊपर करना है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, और साइकोलॉजी के ऊपर भी करना है यू कैन डू दैट ऑल्सो। यस यस डेफिनेटली करना है सर, आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड आई वाज सेइंग कि आपका शुरुआत से ही आपने जितना अच्छे से पूरा बताया उसका एक एक एस्पेक्ट अलग अलग फेजेस में, कि राइट फ्रॉम कैसे आप सिलेक्शन करते हो, कैसे एग्जीक्यूशन अलग है, साइकोलॉजी वाले एस्पेक्ट में ब्रेक करके, दैट वाज ऑल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड मतलब उसमें क्वेश्चंस कुछ खास ज्यादा बचते ही नहीं, इतना क्रिस्टल क्लियर हो रहा था वो। आई वुड लव टू यू नो लर्न मोर, और उसपे भी डेफिनेटली सर हम लोग करेंगे, ट्रेंड फॉलोइंग पे भी और साइकोलॉजी पे भी। एंड बिल्कुल समझना साइकोलॉजी, आई ऑल्सो अग्री। मतलब मेरे साथ पता नहीं कितनी बार हुआ, आई एम श्योर काफी लोगों के साथ भी हुआ होगा कि व्यू सही होता है, सब कुछ होने होता है, लेकिन वो एक रेड कलर का फिगर देख के डर लग जाता है, ट्रेड छोड़ देते हैं, जस्ट मोमेंट वो वापस चला जाता है उसके बाद। देखिए, या फिर ऑन द अदर हैंड वो लगता ही, एक चीज ये भी होती है कि वो लगता है नहीं वापस आएगा वो नीचे जाता जाता है। सो बिल्कुल सर, वो सीखना ही आपसे। बिल्कुल। सॉरी, आप शायद सर कुछ कह रहे थे, मैं आई कट यू ऑफ। थैंक यू। हेलो हेलो, सर आप शायद कुछ कह रहे थे, मैंने शायद आपको बीच में कट कर दिया। नहीं, हेलो, मेरे को बीच में थोड़ा सुनाई नहीं दिया। हेलो, हाँ हाँ सर, मैं कह रहा था कि बीच में शायद मैंने आपको कट कर दिया, आप कुछ कह रहे थे शायद। इतना कुछ सर ने हम लोग को बताया सर, आई रियली कांट थैंक यू इनफ, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फेज एज वेल।